तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो बाइंडिंग है वो कैसे की जाती है। इस बुक पर आज हम बाइंडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टेपलर वाली जो बाइंडिंग होती है उसे आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जो स्पाइरल जो जो बाइंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये जो नीली वाली शीट्स हैं उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर एक शीट हमें इसके ऊपर लगानी है और एक शीट इसके हमें नीचे यहाँ पर सेट कर लेनी है। इसे हमें आगे पीछे यहाँ पर लगाकर सेट कर लेना है। ये ब्लू शीट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और आपके लोकल मार्केट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। शीट्स को आपको कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। शीट सेट हो जाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको और क्या चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ती है जो बाइंडिंग करने के लिए। तो बाइंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टेपलर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि यहाँ पर हैवी ड्यूटी स्टेपलर मेरे पास अवेलेबल है। ये मेरे पास कंगारू कंपनी का स्टेपलर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या फिर आपके लोकल मार्केट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको उसके बाद एक यहाँ पर थ्रेड वाली जो टेप होती है वो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस थ्रेड वाली टेप को भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ये थोड़ी मोटी टेप होती है जिसे हम बाइंडिंग के करते समय यूज़ करने वाले हैं। इस टेप को हम यहाँ पर इसे पीछे वाली साइड हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक सीज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये वाली सीज़र आपको ये दो सीज़र्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सीज़र से हम यहाँ पर जो शीट्स है उसे हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। यहाँ पर शीट्स काटने के लिए हमें ये वाली जो सीज़र है वो यहाँ पर आपको चाहिए। और अगर आपको टेप कट करनी है तो आपको एक कोई भी पुरानी सीज़र आपको यहाँ पर ले लेनी है, क्योंकि जो टेप होती है वो थोड़ी ज़्यादा गमिंग वाली होती है और चिपचिपी होती है, जिसके कारण आपकी सीज़र है वो ख़राब हो सकती है। तो आप कोई भी पुरानी सीज़र आप यहाँ पर ले सकते हैं जिससे आप इसे काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपको एक जो पिन्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर स्टेपलर यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पिन्स भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पिन्स के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर जहाँ से आप स्टेपलर बाय करेंगे वहाँ पर भी आपको ये पिन्स मिल जाएंगी। इसके साथ में आप इससे छोटी बड़ी कोई भी पिन्स आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस स्टेपलर में 200 पेज तक हम यहाँ पर स्टेपलर कर सकते हैं। 200 पेज की कोई भी बुक है उसे हम यहाँ पर स्टेपलर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिन डालने के लिए हमें इससे बटन को यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा और ये जो मोल्ड है यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस मोल्ड में हमें पिन्स को यहाँ पर सेट कर लेना है। हमें अपने हिसाब से यहाँ पर पिन्स ले लेनी है। तो फ्रेंड्स, आपको पिन्स को ले लेना है और आपको यहाँ पर जो ये आपको खांचा दिख रहा है इसके अंदर आपको इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डाल लेनी है। पिन्स डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर इसे अंदर की तरफ प्रेस कर देना है और यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेपलर रेडी है। और अब हम इसे जो बाइंडिंग शीट्स है उसे यहाँ पर इसमें सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाइंडिंग शीट को कुछ इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। पीछे वाली साइड हमें प्लेन यहाँ पर रखनी है और इसके स्टेपलर के अंदर कुछ इस तरीके से डालकर हमें ऊपर से प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही हमारी जो बाइंडिंग है वो यहाँ पर जो पिन है वो इसके अंदर लग जाएगी और ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक पिन हमें ऊपर और एक पिन हमें नीचे यहाँ पर और लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दोनों साइड पिन हम लगा लेते हैं। थोड़ा सा हमें जो बाइंडिंग को सेट करने के बाद यहाँ पर हमें दोनों साइड को पिन को लगाकर यहाँ पर सेट कर लेना है। पिन्स लग जाने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को, तो फ्रेंड्स, पिन लग जाने के बाद आपको ये बुक कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब हम इसके जो साइड्स वाले एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम काट लेंगे। तो इस सीज़र की मदद से हम जो बाइंडिंग शीट के एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो यहाँ पर काट लेंगे। शीट को बुक के हिसाब से पूरा पूरा प्रॉपर हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, से चलिए मैं फटाफट से बुक के सारे साइडों को यहाँ पर काट के आपको दिखा देता हूँ। सारे पार्ट्स कट जाने के बाद कुछ बुक इस तरह के से लगेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस टेप को इस तरीके से कुछ पीछे यहाँ पर आपको लगा लेना है। फ्रेंड्स, जो टेप लगाते हुए वीडियो थी वो यहाँ पर गलती से डिलीट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा नहीं सका।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेप लगा लेनी है, और देन टेप का जो एक्स्ट्रा साइड में पार्ट रह जाता है उसे आपको इस सीज़र की मदद से कट कर लेना है। सीज़र से कट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें आपको यहाँ पर कट कर लेना है। ये थोड़ी स्टिकी टेप होती है, तो आपको आपकी जो पुरानी कोई भी सीज़र पड़ी है उसी से ही आपको इसे कट करना है। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड हम चलिए जल्दी से इसे काट लेते हैं। टेप कट जाने के बाद तो बाइंडिंग कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। टेप को कुछ थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, और आपकी जो बाइंडिंग है वो यहाँ पर पूरे परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बुक है जो वो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। टेप, स्पायरल शीट और यहाँ पर स्टेपलर की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद।